तो यारो ये तो आप लोग भी जानते हो कि एमसीयू मूवीज की एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है जिसके अंदर एमसीयू की लगभग 29 मूवीज आती है। अभी सारी मूवीज एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, जिस वजह से एमसीयू की टाइमलाइन को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। अब अगर ऐसे टाइम पे कोई फैन एमसीयू को फॉलो करना चाहेगा तो ये चीज तो उस फैन के लिए और भी ज्यादा टफ बन जाएगी, क्योंकि उसे उतनी मूवीज तो देखनी है और साथ ही साथ उसे डिज्नी प्लस के शोज भी देखने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एमसीयू को फॉलो करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो वो लोग भी देख सकते हैं जो कि एमसीयू की टाइमलाइन को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो मैं हूं मनीष, और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे एमसीयू की सबसे पहली मूवी आयरन मैन है, क्योंकि वो सबसे पहले रिलीज हुई थी, लेकिन अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पहली मूवी आती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जो मूवी हमें एमसीयू के सबसे पहले एवेंजर यानी कि कैप्टन अमेरिका से मिला थी। ये मूवी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बेस्ड है, जहां पर स्टीव रॉजर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो बन जाता है हमारे कैप्टन अमेरिका। इसके अलावा हमें इसी मूवी में सबसे पहला इन्फिनिटी स्टोन भी दिखता है। अब इस मूवी के बाद जो अगली मूवी आती है वो भी एक कैप्टन के ऊपर ही बेस्ड है, जिसका नाम है कैप्टन मार्वल, और ये मूवी 1995 के ईयर पे बेस्ड है। इस मूवी की पूरी स्टोरी कैप्टन मार्वल के आसपास ही घूमती है कि आखिर उसे उसकी पावर्स कैसे मिली। वैसे अगर ये मूवी एमसीयू का पार्ट नहीं होती तो मैं आप लोग को इस मूवी को देखने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप लोग मूवी देखने के बाद अच्छे से समझ जाओगे। वैसे तो आप इस मूवी को देख सकते हो, लेकिन गलती से भी इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन मत देखना। तो भाई इस मूवी के बाद आती है एमसीयू की आयरन मैन मूवी। अब ये मूवी कितनी ज्यादा औसम है ये मैं आप लोगों को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अब वैसे तो ये मूवी 2008 में रिलीज हो गई थी, लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से ये 2010 पे टेक प्लेस करती है। तो आयरन मैन मूवी के बाद जो आप लोग नेक्स्ट मूवी देख सकते हो वो है इसी मूवी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि आयरन मैन 2 मूवी। अब ये मूवी ठीक वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे आयरन मैन मूवी की एंडिंग हुई थी। इसके अलावा इस मूवी में आपको वॉर मशीन भी दिखेगा, जो कि आने वाली एमसीयू मूवीज में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है द इनक्रेडिबल हल्क मूवी। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी, लेकिन उस टाइम पर ये कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। लेकिन आज जब हम इस मूवी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हल्क की सबसे बेस्ट मूवी थी, क्योंकि इस मूवी में हमें ठीक वैसा ही हल्क दिखाया गया है जैसा कि वो होना चाहिए। अब इसके बाद आती है एमसीयू की थॉर मूवी, जहां पर हमें एमसीयू के गॉड से मिलाया जाता है। इस मूवी में ओडिन अपने बेटे यानी कि थॉर को लात मार के अर्थ पे भेज देता है, जिसके बाद पूरी मूवी में क्या क्या कांड होता है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी के बाद आती है 2012 की द अवेंजर्स मूवी, जहां पर लोकी आया होता है अर्थ पे टेजरेक्ट को लेने, लेकिन उसे सामना करना पड़ता है हमारे अवेंजर्स का। ये मूवी एमसीयू के फेज 1 को कंप्लीट करती है, और इसके बाद आती है आयरन मैन 3 मूवी, जो कि एमसीयू के फेज 2 का पार्ट। आयरन मैन की हर मूवी में हमने टोनी स्टार्क को उसके सूट्स के साथ देखा है, लेकिन तब क्या होगा जब उसके पास उसके सूट्स ही ना रहे, तो इस मूवी में हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। इस मूवी के बाद बारी आती है थॉर की अगली मूवी यानी कि थॉर द डार्क वर्ल्ड की। ये मूवी सिर्फ इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मूवी में हमें रियलिटी स्टोन के बारे में बताया गया है। अगर इस मूवी में रियलिटी स्टोन ना होता तो शायद इस मूवी को कोई याद रखता। खैर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी यानी कि कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर पे। ये मूवी 2014 के इवेंट्स पे बेस्ड है। कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि बकी जो कि कैप्टन अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड होता है वो ट्रेन से गिरकर मर जाता है, लेकिन इस मूवी में वही बकी वापस आ जाता है विंटर सोल्जर बनके। इसी वजह से ये मूवी काफी ज्यादा डार्क टोन की हो जाती है। अब ये मूवी थोड़ी डार्क हुई तो क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद एमसीयू की जो नेक्स्ट मूवी आती है वो काफी ज्यादा कलरफुल और फनी मोमेंट से भरी पड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की। ये मूवी हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ साथ पावर स्टोन से भी इंट्रोड्यूस कराती है। इस मूवी के बाद इसी मूवी के सेकंड पार्ट यानी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की बारी आती है, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के कुछ टाइम बाद की स्टोरी है। इस मूवी के बाद बारी आती है एवेंजर्स की नेक्स्ट मूवी यानी कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, जो कि टेक प्लेस करती है 2015 में। भले ये मूवी एवेंजर्स मूवी जितनी अच्छी ना हो, लेकिन एमसीयू में आने वाली मूवीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इसके बाद बारी आती है एमसीयू के फेज 2 की लास्ट मूवी यानी कि एंटमैन की। ये मूवी हमें हैंग पिम, पिम पार्टिकल्स और थोड़ा बहुत क्वांटम रियाम के बारे में बताती है, जो कि आने वाले एमसीयू में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। खैर इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट मूवी यानी कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जितनी भी तबाही हुई थी उसका खामियाजा एवेंजर्स को इस मूवी में भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से एवेंजर्स की टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये मूवी हमें दो नए सुपर हीरो से मिलाती है, जिसमें ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन शामिल है। अब इसके बाद बारी आती है ब्लैक विडो मूवी की, जो कि वैसे तो 2021 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये सिविल वॉर मूवी के बाद टेक प्लेस करती है। वैसे तो इस मूवी में कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें ब्लैक विडो की एक सोलो मूवी चाहिए थी तो बस मार्वल ने हमें वो दे दी। अब इसके बाद बारी आती है ब्लैक पैंथर मूवी की, तो सिविल वॉर मूवी में दिखने के बाद हमें इस मूवी में ब्लैक पैंथर और वकांडा के बारे में काफी अच्छे से दिखाया जाता है। इस मूवी के बाद बारी आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग की, तो सिविल वॉर में दिखने के बाद स्पाइडरमैन अपनी सोलो मूवी में दिखता है। स्पाइडरमैन के अलावा इस मूवी में आयरन मैन भी है, लेकिन उनका रोल इस मूवी में काफी ज्यादा छोटा है। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी आती है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, जहां पर हमें एक ऐसा सुपर हीरो दिखाया जाता है जिसकी मेन पावर है मैजिक। इस मूवी में हमें एक और इन्फिनिटी स्टोन यानी कि टाइम स्टोन दिखता है। अब इसके बाद बारी आती है और रैग्नारॉक मूवी की। इस मूवी में हमें ओडिन की डेथ, हेला,
सर्टर और एस्गार्ड डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाई देते हैं। अब इस इवेंट के दौरान एंटमैन कहाँ था ये जानने के लिए आप लोगों को एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी देखनी पड़ेगी, जहाँ इस मूवी से ज्यादा इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन सीधे सीधे एमसीयू की नेक्स्ट मूवी यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से कनेक्ट होता है। ये मूवी काफी बड़े बड़े एक्शन से भरी हुई है और साथ ही मूवी आपको एंडिंग में ऐसा झटका देगी जिसे आप लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। तो फाइनली अब बारी आती है एवेंजर्स एंडगेम मूवी। तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने जो भी कांड किया था इस मूवी में एवेंजर्स उसे सही करने में लग जाते हैं। लेकिन मूवी की एंडिंग में एवेंजर्स पूरी दुनिया को थैनोस से कैसे बचाते हैं ये जानने के लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी मार्वल के तीनों ही फेजेस का कंक्लूजन है। लेकिन अभी भी एमसीयू के फेज 3 की एक और मूवी बाकी है यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इस मूवी में हमें मिस्टीरियो जैसा एक काफी पावरफुल विलन दिखता है जो कि स्पाइडरमैन की लाइफ को पूरी तरीके से झंड कर देता है। तो ये था मार्वल के फेज 1 से लेके फेज 3 मूवीज का ऑर्डर। लेकिन अभी भी मार्वल का फेज 4 बाकी है जिसमें से ब्लैक विडो मूवी की टाइमलाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आप लोग भी एमसीयू के फेज 4 के टाइमलाइन को जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यारो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल की कोई भी वीडियो आपसे गलती से भी मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ बी एंटरटेन।